बैठो चराग उठाओ कि आपदा जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी कि ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अभिमन्यु, किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं। लेकिन मुझे तो लगा था कि मर गया था। यही ना, सब यही समझते हैं। शायद उस दिन मर ही गया होता अगर अपने दिमाग की ना सुनी होती तो। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा एक कसूर है सविता, मैं अपने दिमाग से ज्यादा और किसी की बात पर भरोसा नहीं करता। वरना मंगत ने तो पूरी तैयारी कर ली थी मुझे मरवाने की। क्या मंगत ने? हाँ, मंगत ने। मंगत ने ही मुझे हरीशपाल के खदान में होने की खबर दी। वो जानता था कि मैं हरीशपाल से मिलने जरूर जाऊंगा। मैं पुराना हिसाब जो चुकता कर रहा था। हरीश जेल से माया के पास कैसे पहुंचा? जेल में ही उड़ाना था उसे, माया ने बेल करवा ली उसकी। तुम मुझसे क्या चाहते हो मंगत बाबू? उसकी गर्दन तक मेरे हाथ पहुंचने वाले थे कि माया ले उड़ी। अब माया ने छिपा रखा है। कोई बात नहीं, छुपा लेने दो उसे माया को। मैं भी देखता हूं मंगत बाबू इस मामले में क्या हो सकता है। लेकिन वो ब्लास्ट, मंगत के कहने पर मैं वहां गया जरूर था, पर मैं जानता था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। और गड़बड़ हुई भी। हरीश पाल तो वहां नहीं था, लेकिन बड़े साहब का आदमी जरूर मेरा वहां इंतजार कर रहा था।
लेकिन वो लाश तो तुम्हारी कई बार जिंदा रहने के लिए मरने का नाटक करना पड़ता है सविता। मैंने उस लाश को अपने कपड़े पहना लिए थे ताकि मेरी मौत चाहने वालों को यही लगे कि अब अभिमन्यु इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास दो ही रास्ते थे सविता, या तो मैं खुद मर जाता या उसे मार देता। और जिंदगी और मौत में से मैंने जिंदगी को चुनकर कुछ गलत नहीं किया। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। लेकिन हाँ, मैंने आज तक बिना वजह किसी की जान नहीं ली। मैं सच कह रहा हूं लीला, नहीं याद। मैं वही अभी हूं लीला, तुम्हारे बचपन का दोस्त। अभी शायद तुम्हें कुछ याद ना हो, पर मुझे एक एक बात अच्छी तरह याद है। और क्यों ना हो, तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई दोस्त था ही नहीं। कभी भैया जी यहां से चलना होगा। तुम वहीं जाकर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं। इससे पहले कि कोई मुझे यहां देखे, मुझे जाना होगा लीला। ओह सविता, लेकिन मैं फिर मिलूंगा। एक दो पुराने हिसाब चुकाने हैं, उसके बाद जरूर मिलूंगा। अभी अपना ख्याल रखना।